फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में सिखाता हूँ गुनिया चेकिंग मेथड, गुनिया कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपकी साइड पे चार कॉलम है, ये कॉलम रहता है आपके पास, एक वो सेकंड कॉलम रहता है, थर्ड कॉलम रहता है आपके सेकंड और फोर्थ कॉलम, जहाँ पे आपके चार कॉलम होते हैं और चारों कॉलम या फिर चार कॉलम मान सकते हैं या फिर आपकी वॉल, जैसे रूम की वॉल होती है, तो अगर उनका डिस्टेंस ये आउटर से एंड इसका आउटर का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, यहाँ पे क्या है, ये कॉलम का, ये कॉलम है एंड ये कॉलम है, इसका जो आउटर एंड आउटर डिस्टेंस वो बराबर है, जितना डायमेंशन यहाँ पे डायमेंशन आपकी जो आउटर से आउटर यहाँ पे रहती है, सेम प्रोसीजर आपकी उस वाली वॉल पे रहती है। ठीक है, सेम प्रोसीजर उस वॉल वॉल से ये वाला जो कॉलम है, कॉलम का कॉर्नर एंड उस वाले कॉलम का आउटर कॉलम, ये भी डिस्टेंस बराबर है, और उस कॉलम के कॉलम से कॉर्नर एंड ये वाला कॉलम बराबर है। इट्स मीन कि दोनों जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये कॉलम एंड कॉलम पैरेलल है, आउटर एंड आउटर पैरेलल है, इस वो दोनों कॉलम इस कॉलम के पैरेलल है। तो इस बेस पे आपको क्या करना है, गुनिया चेकिंग मेथड करना है। गुनिया चेकिंग कैसे करेंगे, अगर आपके पास वॉल है तो वॉल में आप क्या चेकिंग करते हैं, तो इसका कॉर्नर एंड उसका कॉर्नर, बाहर से बाहर का कॉर्नर चेक करते हैं, फिर उस वाले कॉलम से वॉल का कॉलम या इस कॉलम का आउटर चेक करते हैं। ठीक है, तो गुनिया चेकिंग के मेथड तीन मेथड है, कोई से भी आप कर सकते हैं। पहले बात तो गुनिया आपको बनाना होता है, अगर आपके पास एक वॉल है, ये वाली वॉल आपको लेना है फेस पे, आउटर वॉल बाहर वाला फेस लिया, तो बाहर वाला फेस लेने के बाद वॉल को क्या करना है, गुनिया बनाना है इस वाले कॉलम को, इसके चेक करना है कि कॉलम गुनिया में, मतलब 3-4-5 रूल से, जैसे रस्सी बांधी हुई है कॉर्नर में से, तो उस रस्सी के बाहर के कॉलम से बांधे गई है 3 मीटर पे। ठीक है, तो उस वाले आउटर बाहर वाले कॉलम से मेजर करेंगे आप 4 मीटर पे, तो 4 मीटर आपने चेक किया, तो वो 4 मीटर आपने जो चेक किया, 3 मीटर आपने मेजर किया, तो वो जो पॉइंट आपको 5 मीटर आपको मिलना चाहिए, तभी आपका लगेगा कि ये वॉल और वो कॉलम इसके कॉर्नर पे हैं, गुनिया में है। ठीक है, तो दूसरे मेथड आपको बताता हूँ, वो कॉलम का डायमेंशन एंड इस कॉलम का डायमेंशन सेम है, विड्थ एंड ब्रेथ, और ये वाला कॉलम का विड्थ एंड ब्रेथ बराबर है, सेम उस कॉलम का विड्थ एंड इसके विड्थ और ब्रेथ दोनों कॉलम के परपेंडिकुलर बराबर है, तो हमें क्या करना है, कॉलम का गुनिया कैसे चेक करेंगे, तो उस वाले कॉलम का अंदर वाला जो कॉर्नर है, इस वाले कॉलम का अंदर वाला कॉर्नर और इसका जो अंदर कॉर्नर है, इससे मेजरमेंट से फीते से चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना है, उसके बाद फिर ये वाला जो कॉलम है, इसके कॉलम से अंदर वाला जो फेस है और उस कॉलम के अंदर वाला फेस है, इन दोनों का डिस्टेंस करेंगे तो दोनों का बराबर आना चाहिए कॉर्नर से कॉर्नर पे, इस वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर आपको कॉलम का जो डायमेंशन है बराबर है, ये वाला कॉलम, सामने वाला कॉलम बराबर डायमेंशन, विड्थ एंड ब्रेथ सेम, दोनों कॉलम की विड्थ एंड ब्रेथ सेम है, परपेंडिकुलर आउटर आउटर फेस बराबर है, कॉर्नर फेस बराबर है, तो आप आउटर से आउटर कॉलम चेक कर सकते हैं या फिर आप इनर इनर से कॉलम चेक करते हैं। तो साइड पे क्या होता है कि वहाँ पे फर्मा लगाते हैं, फर्मा लगाने बाद, फॉर्मा लगाने बाद आप कास्ट करते हैं कॉलम को, ये बस्ट क्या कंडीशन प्री कास्ट है, तो प्री कास्ट को भी आप चेक कर सकते हैं और आपको फर्मा लगाने बाद वो भी आप चेक कर सकते हैं। चेक आपको करने का क्या है, स्टार्टर, जैसे वहाँ पे स्टार्टर पहले लेआउट मार्किंग करते हैं, लेआउट मार्किंग करने बाद स्टार्टर लगाते हैं, स्टार्टर में ही आप चेक कर लेंगे कि वो कॉर्नर, ये कॉर्नर लेंथ और उस कॉर्नर कॉर्नर की लेंथ और इस कॉर्नर की लेंथ आपको बराबर मिलनी चाहिए, तभी पता चलेगा आपका कॉर्नर बराबर है। इसी तरह आप जैसे ब्रिक मेजरिंग वॉल होती है, मैं चेक कर सकते हैं कि ये कॉर्नर वो कॉर्नर बराबर है। थर्ड मेथड आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपने मेजरिंग वॉल आपने चिनाई की, उसके बाद ये रस्सी आपने बांधा, इस रस्सी से क्या होगा कि ये लंबाई फेस बराबर है, तो वो कॉर्नर मिलाने के बाद ये यहाँ पे रस्सी है टच होनी चाहिए यहाँ पे इधर। ठीक है, तो ये रस्सी क्या हुई, यहाँ पे टच हुई है, इस तरह से आपको वहाँ पे टच देखने सामने फेस में मिल रही है। तो गुनिया चेकिंग के जो मेथड मैंने आपको बता दिए, बेसिकली जो पॉइंट होते हैं आपको, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चारों कॉलम है और चारों कॉलम का जो इसकी डायमेंशन एंड ये वाली डायमेंशन बराबर है, विड्थ एंड ब्रेथ, इसकी भी विड्थ एंड ब्रेथ बराबर है, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर है, अगर ये कॉलम वहाँ पे होता तो इस तरह से आप चेक नहीं कर पाते। ठीक है, तो डायमेंशन सेम है, डायमेंशन इसकी सेम है, डिस्टेंस सेम है, आउटर एंड आउटर सेम है, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आप गुनिया चेकिंग करना चाहिए, गुनिया आप चेकिंग मेथड करेंगे। तो
ठीक है, तो डिस्टेंस कॉर्नर, उस कॉर्नर से अंदर वाला जो कॉलम का कॉर्नर है, इस वाले कॉलम का आउटर वाला कॉलम, उस वाले कॉलम का ये वाला कॉर्नर और उस वाले कॉलम का अंदर वाला कॉर्नर से डिस्टेंस जो आएगा वो परपेंडिकुलर बराबर आता है, तो आपका गुणिया में ये आपके कॉलम सही है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।